हेलो बच्चों, मैं विवेक मिश्रा, आईआईटी जी मेंटर कोटा पॉइंट आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को डील करने के लिए आए हुए हैं। मिसकंसेप्शन ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप सब जानते होंगे क्या होता है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर एक कोई बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रही है, कोई फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, कोई फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है, तो भाई साहब ये तो कोई आलू गाजर है नहीं जिसको अपन जोड़ देंगे कि नेट फोर्स कितना होगा। अगर मुझे निकालना है नेट फोर्स कितना है तो ये वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ये कोई आलू गाजर नहीं है कि सिंपली अपन इसको जोड़ दिए और बोल दिए कि नेट फोर्स इतना है। इसके लिए हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करना पड़ेगा। पर अगर बहुत सारे फोर्सेस रहेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसको निकालना। इसके लिए न्यूटन ने कहा कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। हमें पता है लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो सपोज इसी ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं, इसी ऑब्जेक्ट का मास है एम और वेलोसिटी है वी। जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो F net is equal to D, T के जगह पर हम लिख सकते हैं mass into velocity by dt। अब इस केस में mass तो constant होगा तो mass बाहर निकल जाएगा और हम लोग सिर्फ velocity को differentiate करेंगे तो dv by dt क्या हो जाएगा, mass into acceleration। तो यहां से F net का वैल्यू कितना आया, mass into acceleration। तो बच्चों को ये मेजर मिसकंसेप्शन हो जाता है कि भाई साहब अगर नेट फोर्स m into a ही आया, मास into acceleration ही आया, तो फिर इतना लंबा क्यों बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका रियल रीजन। सपोज हम कोई वेरिएबल मास लेते हैं जैसे कि एक रॉकेट। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है वैसे वैसे ये नीचे की तरफ फ्यूल बर्न करती है, और जब ये फ्यूल बर्न करेगी तो वैसे वैसे इसका मास घटते जाता है, मतलब इसका मास वेरिएबल होता है। तो इस केस में सोचिए आप नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। क्यों भाई कितना होगा नेट फोर्स, मास इंटू वेलोसिटी टू डी टी। इस केस में मास कॉन्स्टेंट नहीं है, मास भी वेरिएबल है वेलोसिटी भी वेरिएबल है। हमको पता है जब दो दो वेरिएबल है तो जब दो दो वेरिएबल को हमको डिफरेंशिएट करना होता है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक को बाहर रखते हैं दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस दूसरे को बाहर रखते हैं और पहले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा m into dv by dt, क्या हो जाएगा m a mass into acceleration plus v into dm by dt। तो नेट फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। कभी भी ये बोलना कि F net is equal to ma ये सही नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल मास के केस में F net का एक्सप्रेशन हो जाएगा ma plus v dm by dt, जिस रेट से आपका मास चेंज हो रहा है वो। बच्चों इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हम समय समय पर इसी तरह के मेजर मिसकंसेप्शन को आपके साथ डील करते रहेंगे।